कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर दिया है और उस जलसे में दिया है जहां पे नरेंद्र मोदी भी मौजूद था। इस बयान पर क्या कहना चाहिए, कितना अहम इसको समझा जाए? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया नीलम आपका। देखें, इस बयान को आपने इस तनाजुर में देखना है कि ये एक ऐसा मजमा था जिसमें रिपोर्ट हो रहा है कि 1 लाख से ज़ायद लोग थे उस स्टेडियम के अंदर और गुजरात की उसमें हो रहा था। दूसरा, ये एक ऐसे मुल्क की सरजमीन पे हो रहा है जिसका अमेरिका के साथ $148 बिलियन की बिजनेस इंटरेस्ट हैं, 2018 की फिगर मैं कोट कर रहा हूँ, और इसमें अमेरिका जो है वो $25 बिलियन डेफिसिट में है, यानी कि अमेरिका नुकसान में है इंडिया के साथ बिजनेस करने में उस हवाले से। तो उस तनाजुर में फिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक फासिस्ट किस्म का एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ कश्मीर से लेकर और आज तक, और फिर FATF के हवाले से जिस तरीके से इंडिया ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान को पुश किया जाए टूवर्ड्स द ब्लैक लिस्ट, इस सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का इस तरीके से पाकिस्तान के हक में बोलना और इस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ करना कि दहशतगर्दी की जंग में किस तरीके से पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, और इसमें आप ये जहन में रखें कि उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया लेकिन इसके पस मंजर में वो 150 से ज़ायद मीटिंग्स भी हैं जो कि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की हैं या खुद कंडक्ट की हैं बिटवीन तालिबान एंड अमेरिकन्स एंड बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ताकि एक अच्छे माहौल में एक अच्छे अंदाज में एक एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सके। तो उस हवाले में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो हमेशा से अमेरिकन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस थी, जब अफगानिस्तान की बात आती है, जब ईरान की बात आती है।